दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय त्रिवेदी ओवरसीज जालंधर अमृतसर। जिला कांगड़ा बार एसोसिएशन धर्मशाला की मांगों को अगर 6 दिसंबर तक नहीं माना गया तो बार एसोसिएशन भूख हड़ताल शुरू करने से भी गुरेज नहीं करेगी। एसोसिएशन के अध्यक्ष तरुण शर्मा ने कहा कि पिछले लंबे समय से धर्मशाला में हाईकोर्ट की सर्किट बेंच की स्थापना की मांग उठाई जा रही है, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई सार्थक कदम नहीं उठाए गए हैं। यही नहीं, सर्किट कोर्ट भी पालमपुर, देहरा और नूरपुर में लगाए जा रहे हैं। वहीं फैमिली कोर्ट को भी अब सर्किट स्तर पर आयोजित करने की बात हो रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे में धर्मशाला में काम करना मुश्किल हो गया है। यही नहीं, विभिन्न उपमंडलों में सर्किट चलाने से धर्मशाला के वकीलों के पास काम की कमी पेश आ रही है। उधर फैमिली कोर्ट को भी सर्किट स्तर पर चलाने की बात हो रही है। सबसे पहले तो मैं दिव्या हिमाचल के मीडिया वालों का धन्यवाद करता हूँ कि समय समय पर वो हमारा सहयोग देते हैं। ऐसा है कि हम पिछले 27 नवंबर से स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, जो कि हमारी 5 नवंबर तक स्ट्राइक चलेगी और 6 नवंबर को हम सख्त से सख्त जो भी है कार्रवाई करेंगे। इससे पहले हम 2 या 3 बार चीफ जस्टिस साहब से मिल चुके हैं, जो पहले सूर्यकांत जी थे, रामास्वामी जी थे, तो उन्होंने भी हमें अश्योर किया। आज तक हमें ये सिर्फ अश्योर ही करते रहे, काम नहीं किया है। अब हमारी जो लड़ाई है वो आर पार की लड़ाई है, जो होगा वो देखा जाएगा। ऐसा है कि हमारी काफ़ी समय से डिमांडें चली हुई है। सबसे पहले तो हाई कोर्ट की डिमांड जो 1972 से चली हुई है, लेकिन आज तक वो हाई कोर्ट का सर्किट बेंच नहीं आया। दूसरी है हमारी पिछले 5 सालों से ये जो हमारे सर्किट कोर्ट है वो भी चले गए हैं। अब ये एक नया मुद्दा आ गया है फैमिली कोर्ट। इन्होंने कहा था कि ये फैमिली कोर्ट जो है वो 4 डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट जो वो हमें मिलेगा, लेकिन 4 डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट कहाँ, जो डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का काम भी अब सर्किट कोर्ट में जा रहा है। तो ये है कि अब जो ये हमारी लड़ाई है अब ये आगे और भी उग्र होती जाएगी, ये अब रुकेगी नहीं, और अब हम पूरी मांगे जो है हम भी मनवा के ही रहेंगे। जैसे कि ये मैटर पहले से विदित है, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने डिटेल में आपको ये बता दिया गया है कि हमारी समस्याएं क्या हैं और किस बात के लिए हम बहुत लंबे समय से झगड़ रहे हैं। सर्किट कोर्ट्स का जाना, हमारा हेजिटेशन बहुत उग्र रूप में होकर रहा है। हाई कोर्ट ने हमें लिखित रूप में आश्वासित किया था कि सर्किट कोर्ट्स को हम वेरी शॉर्टली क्लोज करेंगे, और उसके बाद हमारे को ये एश्योरेंस दी गई थी कि आपको कंपनसेट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में फैमिली कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया। और माननीय लोग हमारे जैसा त्रिलोक चौहान जी आए थे, उन्होंने हमें बड़े स्पेसिफिक तौर पे ये बताया था कि आपकी समस्या को हम बड़े सीरियसली समझते हैं और हमने आपको फैमिली कोर्ट इसलिए इस्टेब्लिश किया है कि ताकि वकीलों की कंपनसेशन की जो थोड़ी सी हमारी भूमिका आपके प्रति रहेगी वो पूरी हो जाएगी। परंतु अब नए विचार हाई कोर्ट से जो आए हैं कि फैमिली कोर्ट्स को भी हम सब डिविजन के सर्किट्स में भेजेंगे, दैट व्हाट इज़ द जस्टिस फॉर अस इफ़ द जस्टिस हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू सब डिविजन डोर। तो एडवोकेट्स आर नॉट द सच पर्सन दोज हु कैन नॉट सी कैन जस्टिस, सो वी आर गोइंग टू टेंडर आर लाइसेंसेज बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट। दिस विल बी डिसाइडेड शॉर्टली विद द कंसर्नेशन ऑफ आवर प्रेसिडेंट एंड द सीनियर मेंबर एट एक्सेट। थैंक यू। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से विनोद कुमार के साथ नरेन कुमार की रिपोर्ट। पापा, निशा फर्दर स्टडी करना चाहती है। ये तो बड़ी चंगी गल है, पर पापा पापा मैं फर्दर स्टडीज लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती हूँ। सॉरी पापा। सॉरी क्यों बेटा जी, तुसी साडे घर दी बहु नहीं, बेटी हो। वीजा ले किसी चंगे कंसल्टेंट दी सलाह ले लेनी। त्रिवेदी ओवरसीज समझे तुहाडे रिश्तेयां नूं। त्रिवेदी ओवरसीज, टर्निंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी।